दोस्तों, बदलती और बढ़ती भारतीय इकोनॉमी के चलते कई सारी कंपनीज ऐसी हैं जो अब मोबाइल मार्केट में उतर रही हैं। ऐसी एक कंपनी है शार्प। शार्प ने हाल ही में अपने कुछ मोबाइल्स बाजार में उतारे हैं। आइए जानते हैं कौन से हैं ये मोबाइल्स और क्या हैं इनके खास फीचर्स। गर्माते हुए भारतीय मोबाइल बाजार को देखकर हर हफ्ते नई कंपनियां अपने हैंडसेट को लॉन्च कर रही हैं। इसी फहरिस्त में अब एक और कंपनी जुड़ गई है जिसका नाम है शार्प। कंपनी ने फिलहाल अपने 4 हैंडसेट बाजार में उतारे हैं। साढ़े 6,000 से 17,000 रुपए तक की रेंज वाले इन मोबाइल फोन्स को खास युवाओं के लिए डिजाइन किया गया है। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील के सिन्हा का कहना है कि इन हैंडसेट के लॉन्च के साथ कंपनी ने इस रेंज में यूजर्स को कुछ हटके देने का प्रयास किया है। हमारा जो प्रोडक्ट फिलॉसफी स्ट्रेटजी 100 साल से रहा है वो है वन ऑफ अ काइंड प्रोडक्ट्स। तो इसलिए हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको दिखने में नहीं आएंगी, वो अलग होंगी, यूनिक होंगी, हटके होंगी। तो हम अपना जगह इसी तरह बनाना चाहते हैं मार्केट में। तो जैसे मैंने आपको समझाया, अगर हम ये नीति हमारी है कि हम वन ऑफ अ काइंड प्रोडक्ट्स ही लाएंगे तो हमें फिर कंपटीशन के बारे में सोचने की इतनी आवश्यकता नहीं होगी। और मार्केट शेयर के लिए इस वक्त तो बहुत जल्दी है इसके बारे में कोई फिगर बताना, हम तो अभी शुरुआत कर रहे हैं। आइए नजर डालते हैं इनके फीचर्स पर। टच स्क्रीन वाले इन फोन्स में कैमरा, डुअल सिम, एलईडी इल्यूमिनेशन, सोशल नेटवर्किंग, एफएम रेडियो जैसे फीचर्स मौजूद हैं। इंडिविजुअली देखें तो 6,500 रुपए की कीमत वाले ब्लिंक फोन में है डुअल सिम और एलईडी इल्यूमिनेशन। शार्प के एलिस टच स्क्रीन फोन में आपको मिलता है जी सेंसर के साथ 3 मेगापिक्सल कैमरा और बाजार में इसकी कीमत है 8,500 रुपए। 3.2 मेगापिक्सल कैमरे के साथ टच स्क्रीन वाले साइबोक मॉडल में आपको मिलती है 180 डिग्री तक रोटेट होने वाली स्क्रीन, कीमत है सिर्फ 17,000 रुपए। 2G सर्विस कंपैटिबिलिटी के साथ लॉन्च किए गए टैंगो में आपको मिलेगी 180 डिग्री तक रोटेट होने वाली टच स्क्रीन और 5 मेगापिक्सल कैमरा। साथ ही इसमें है पेडोमीटर जो कि यूजर्स को बताता है कि अभी तक वो कितने कदम पैदल चल चुके हैं। ये उन लोगों के लिए काफी यूजफुल है जो एक्सरसाइज या रनिंग करते हैं और इस फोन की कीमत है 18,000 रुपए। कंपनी का कहना है कि वो जल्द ही टेंगो का 3G वर्जन भी बाजार में लाने की सोच रहे हैं। चलिए दोस्तों, टेक दुनिया में फिलहाल वक्त है टेक फास्ट का। जानते हैं कौन सी 5 बड़ी खबरें आपका इंतजार कर रही हैं। इस साल जब आप छुट्टियों पर अमेरिका जाएंगे तो आपको विमान में फ्री नेट सर्फिंग की फैसिलिटी भी उपलब्ध होगी। गूगल ने अपने नए वेब ब्राउजर क्रोम की पब्लिसिटी के लिए लोगों को यह नायाब तोहफा दिया है। डेल्टा वर्जन जैसी कई एयरलाइंस ने यात्रियों को उनके केबिन में ही नेट सर्फिंग के लिए वाईफाई का इंतजाम किया है। 20 नवंबर से अगले साल 2 जनवरी तक दी जाने वाली इस सुविधा से मुसाफिर आसमान में 35,000 फीट की ऊंचाई पर भी मोबाइल या कंप्यूटर से नेट सर्फिंग कर सकेंगे। फिलहाल विमान यात्रियों को उड़ान भरते हुए नेट सर्फिंग की सुविधा प्राप्त करने के लिए 15 से 20 डॉलर चुकाने पड़ते हैं। अगर आप एंड्रॉइड फोन्स के जरिए ई बैंकिंग की फैसिलिटी यूज करते हैं तो आप सावधान हो जाइए। एक अमेरिकी अखबार के मुताबिक एंड्रॉइड फोन का इस्तेमाल ई बैंकिंग के लिए करना कतई सुरक्षित नहीं है। अखबार की रिपोर्ट में कहा गया है कि एंड्रॉइड फोन्स में ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जो ई बैंकिंग के दौरान भेजी जाने वाली संवेदनशील जानकारियों को लीक कर सकते हैं। मिसाल के लिए आपके यूजर नेम और पासवर्ड को कोई हैकर आपके मोबाइल फोन से चुराकर इनका दुरुपयोग कर सकता है।
अमेरिका में एंड्रॉइड फोन से ई बैंकिंग सेवा का इस्तेमाल करने वाले कई लोगों के मोबाइल से सेंध लगाने के पहले भी कई केस सामने आ चुके हैं। हेडफोन या ईयरबड पर संगीत सुनते वक्त सबसे बड़ी समस्या होती है कि थोड़ा झटका लगते ही ये कान से निकल कर गिर जाते हैं, लेकिन अब ये समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। न्यूजीलैंड की कंपनी ने ऐसे ईयरबड का मॉडल लॉन्च किया है जिसमें जिप लगी हुई है। ईयरबड को कानों में लगाने के बाद जिप को बंद करने पर ये कान से नहीं गिरेंगे। कंपनी ने इसे जिप अप ईयरबड्स नाम दिया है। अब एक नए कॉम्पैक्ट कैमरे की मदद से आप 3D तस्वीरें भी आराम से ले सकते हैं। इस तस्वीर को देखने के लिए आपको चश्मे की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फूजी फिल्म W3 कैमरे से आप पहली बार अपने सिर को 3D रूप में देख सकते हैं, वो भी किसी 3D चश्मे के बिना। लेंटिकुलर 3D सिस्टम का प्रयोग करने वाले इस कैमरे की स्क्रीन पर तुरंत 3D तस्वीर आ जाती है और जरूरत पड़ने पर आप इस कैमरे को 2D कैमरे में भी बदल पाएंगे। इंटरनेट वेब पेजेस के लोड होने के टाइम को और कम करने के लिए इंटरनेट जायंट गूगल ने एक नए इमेज फॉर्मेट का यूज शुरू कर दिया है। वेब पे कहलाने वाली इन इमेजेस का साइज अभी यूज होने वाले JPG फॉर्मेट से काफी छोटा होता है। ये वेब पे फॉर्मेट अभी उन सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज होता है जिसमें डिस्प्ले स्क्रीन लगी होती है। एक अंदाजे के मुताबिक इस इमेज फॉर्मेट को यूज करने से एक वेब पेज का साइज लगभग 39% कम हो जाता है। दोस्तों, टेक दुनिया में अब वक्त है आपसे विदा लेने का। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।